वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। आइए स्टूडेंट, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 का ओरिजिन माय बुक ऑफ सोशल साइंस है। बुक का नाम सेक्शन है हिस्ट्री चैप्टर 11, जिसका नाम है राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। चलिए टिक द करेक्ट ऑप्शन। इससे पहले हम क्वेश्चन स्टार्ट करें, आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हाँ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि टाइमली नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए स्टूडेंट, बिना कोई वक्त गवाए हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। द एल्बर्ट बिल वॉज प्रेजेंटेड इन द सेंट्रल लेजिस्लेशन ड्यूरिंग द वॉयस रॉयल्टी ऑफ, किसके वॉयस राय रहते हुए है ना एल्बर्ट बिल प्रेजेंट किया गया था सेंट्रल लेजिस्लेशन में? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड बेंटिक, लॉर्ड लिटन। राइट आंसर है लॉर्ड रिपन। टू प्रोपेगेट द इंडियन प्रॉब्लम इन ब्रिटेन द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन वॉज फाउंडेड इन लंदन इन 1866 बाय, है ना भाई, प्रचार करने के लिए प्रसार करने के लिए इंडियन भारतीयों की प्रॉब्लम का ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन वाज फाउंड किया गया था लंदन में 1866 में, किसके द्वारा? दादा भाई नेरोजी, एनी बेसेंट, ऑल एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। नाम है दादा भाई नेरोजी के द्वारा। हु अमंग दीज वाज नॉट ए मॉडरेट, इनमें से कौन एक मॉडरेट नहीं था? लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नेरोजी। राइट आंसर है लाला लाजपत राय। बंगाल वॉज पार्टीशन बाय द ब्रिटिश इंटू ईस्ट एंड वेस्ट बंगाल ऑन, कब, कौन सी डेट को? 16 अक्टूबर 1905, 16 अक्टूबर 1906, 16 अक्टूबर 1907। राइट आंसर है 16 अक्टूबर 1905। द 31st सेशन ऑफ द कांग्रेस हेल्ड इन 1960 एट लखनऊ वॉज प्रिसाइडेड ओवर बाय, ठीक है कौन थे भाई? अंबिका चरण मजूमदार, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है आई नहीं रहेगा, और डब्ल्यू सी बनर्जी, बंकिम चंद बनर्जी। राइट आंसर है अंबिका चरण मजूमदार। फिल इन द ब्लैंक्स आ चुके हैं। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स, ए फॉर्मर सिविल सर्वेंट स्टार्टेड द इंडियन एसोसिएशन इन, कहाँ पे किया था, और है ना डेट भी शायद यहाँ पर रहेगी। चलिए जानते हैं राइट आंसर। दादा भाई नेहरोजी ने किया था, लंदन में किया था, 1866 में किया था। द फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस वॉज हेल्ड इन, सबसे पहला सेशन कहाँ हुआ था, इन द ईयर, किस ईयर में हुआ था, एंड वॉज प्रिसाइडेड बाय, ठीक है और कौन उसके प्रेसिडेंट थे? तो राइट आंसर है बॉम्बे में हुआ था, 1885 में दिसंबर में हुआ था, और थे बंकिम चंद बनर्जी। द हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड, भारत की इतिहास को डिवाइड किया जा सकता है इंडियन नेशनल मूवमेंट की हिस्ट्री को इन थ्री फेजेस, तीन फेजेस में, नेमली कौन कौन से हैं, 1, 2, 3 कौन से है? राइट आंसर है मॉडरेट, रेडिकल एंड गांधियन फेज। नेक्स्ट वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड एज द मेंबर ऑफ द वॉयस रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, कौन थे जिनको है ना मेंबर बनाया गया था, अपॉइंट किया गया था वॉयस रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल का? नाम है एस पी सिन्हा। इन 1909 ए सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम वॉज प्रोवाइडेड बाई, है ना सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम के लिए दिया गया था, है ना 1909 में, है ना किस रिफॉर्म के द्वारा? ये है मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स। स्टेट ट्रू और फॉल्स, द रिवोल्ट ऑफ इंडिया हैड फेल्ड टू रेज इंडिया फॉर फॉरन रूल, रिवोल्ट ऑफ है ना इंडिया क्या किया गया था, फेल हो चुका था टू रेज इंडिया फॉर फॉरन रूल, ताकि वो है ना ये भाई जो था कि हम फॉरन रूल से विदेशी है ना जो उनका राज चल रहा है उससे मुक्ति पाए, इसलिए रिवोल्ट किया गया था, लेकिन वो फेल हो गया क्यों, है ना क्या रूल से फेल हो चुका था, क्या सही बात है? यस ट्रू। वेस्टर्न एजुकेशन एंड मॉडर्न आइडियाज कुड नॉट ब्रिंग द इंडियंस टूगेदर, वेस्टर्न एजुकेशन जो है और मॉडर्न आइडिया जो हैं वो भारत को एक साथ नहीं ला सकते हैं, ठीक है क्या सही बात है? फॉल्स। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बाय द ब्रिटिश कॉज ग्रेट रिसेंट, है ना रिसेंटमेंट अमॉन्ग इंडियन इंटेलेक्चुअल्स, रेडिकल जो रेशियल जो डिस्क्रिमिनेशन है ब्रिटिश के द्वारा कॉज ग्रेट रिसेंटमेंट, इससे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा रिसेंटमेंट हुआ अमॉन्ग द इंडियन इंटेलेक्चुअल के द्वारा, क्या सही है? यस इट्स ट्रू। नेक्स्ट, द मॉडरेट बिलीव इन द जस्टिस एंड फेयर प्ले ऑफ द ब्रिटिश, मॉडरेट बिलीव करते थे कि भाई जस्टिस मतलब जस्टिस के दे कोई भी है ना गलत तरीका में इस्तेमाल ना करे, फेयर प्ले करे ब्रिटिश के साथ, क्या ऐसा सही है? यस ट्रू। द मॉडरेट प्रेजेंटेड देयर ग्रीवेंसेस टू द ब्रिटिश इन द फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट एंड स्ट्राइक, मॉडरेट ने प्रेजेंट किया देयर अपने ग्रीवेंसेस को ब्रिटिश के सामने है ना प्रोटेस्ट की फॉर्म में, स्ट्राइक्स की फॉर्म में। फॉल्स। द स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट स्टार्टेड आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल के विभाजन के बाद स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट स्टार्ट हुआ, यस ट्रू। सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम्स वर इंट्रोड्यूस बाय द मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, है ना सेपरेट इलेक्टोरेट्स हुआ मुस्लिम के लिए
मॉन्टेंगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के बाद? फॉल्स। द लखनऊ पैक्ट वाज बिटवीन द मॉडरेट्स एंड द एक्सट्रीमिस्ट। लखनऊ पैक्ट मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बीच था। फॉल्स। यहाँ पे फॉल्स है इस बुक के अकॉर्डिंग, लेकिन सही बात जो है हम बता देते हैं आपको। एक्चुअली लखनऊ पैक्ट वाज हैड इन द ईयर 1916 या 1916 में हुआ था। इन विच फॉर द पैक्ट वाज साइन बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम के बीच हुआ था, बट इन द सेम पैक्ट द मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट वर यूनाइटेड अगेन। और इसमें क्या हो गए थे, वो यूनाइटेड हो चुके थे। ठीक है, चलिए। तो यानी कि भाई बुक के अकॉर्डिंग हमको ये करना पड़ा, लेकिन जो रियल स्टोरी है वो भी हमने पिक्चर में आपको बता दी है। क्योंकि भाई आप जान लीजिए बहुत सारी बुक्स में क्या होता है, डिफरेंट एंड बुक्स आप स्टडी करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हमने जो आंसर दिया है इस बुक के अकॉर्डिंग दिया है, बाकी हमने स्टोरी आपको बता दी है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। व्हाट वर स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट? स्वदेशी और बायकॉट मूवमेंट क्या थे, चलिए जानते हैं। इट वॉज बॉयकॉटेड मूवमेंट स्टार्टेड अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल। ये मूवमेंट था जो बंगाल का विभाजन हुआ था उसको, है ना, उसके खिलाफ किए गए थे ये। एट द सेम टाइम, उसी समय द इंडियन स्वदेशी प्रोडक्ट वर एनकरेज इंस्टेड ऑफ यूजिंग ब्रिटिश प्रोडक्ट। और उसी समय पे भारतीय जो थे स्वदेशी अपने घर में बने हुए प्रोडक्ट थे उनको हमने प्रमोट किया, ठीक है, एनकरेज किया और ब्रिटिश प्रोडक्ट को बहिष्कार किया। व्हाट लेड टू द राइज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट इन द कांग्रेस? कांग्रेस में एक्सट्रीमिस्ट जो थे, ठीक है, उनके ग्रो करने का, राइज करने का क्या कारण था? बिकॉज ऑफ द बिहेवियर एंड एटीट्यूड ऑफ मॉडरेट्स टुवार्ड्स द ब्रिटिशर्स, इट गेव राइज टू एक्सट्रीमिस्ट इन द कांग्रेस, है ना। मॉडरेट्स का जो व्यवहार था ब्रिटिशर्स के प्रति, उसको लेकर ही, उससे नाराज होकर ये एक्सट्रीमिस्ट यहाँ पे कांग्रेस में जम लिए। मॉडरेट लीडर्स हैव ए सॉफ्ट कॉर्नर, उनके मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर हुआ करता था, पोलाइट मैनर हुआ करता था फॉर द ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स के लिए। वाइल एक्सट्रीमिस्ट लीडर बिलीव इन द रिवोल्यूशनरी वे और मैनर फॉर गेटिंग द इंडिपेंडेंस, जबकि एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि एक रिवोल्यूशनरी क्रांतिकारी तरीका होना चाहिए हमारा, है ना, मैनर होना चाहिए फॉर गेटिंग द इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता पाने के लिए। डिफाइन नेशनलिज्म। नेशनलिज्म क्या होता है? इट इज ए पेट्रियोटिक फीलिंग ऑफ लव एंड लॉयल्टी फॉर वंस ओन कंट्री। ये एक पेट्रियोटिक फीलिंग है, लव है ना, प्रेम है, लॉयल्टी है अपने देश के लिए। इट इज स्प्रिट बॉर्न आउट ऑफ द शेयर्ड कॉमन हिस्ट्री, ठीक है, ये स्प्रिट जो है बॉर्न होती है आउट ऑफ ए शेयर्ड कॉमन हिस्ट्री, जिनकी कॉमन हिस्ट्री होती है, मतलब हमारे देश की कॉमन हिस्ट्री, भाई हम सब लोग इसी में रहते हैं, कॉमन कल्चर है, टेरिटरी है, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिक गोल्स हैं। इन व्हाट वे डिड द रिवोल्ट ऑफ 1857 इम्पैक्ट द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया? 1857 का जो रिवोल्ट था उसने किस तरह से इम्पैक्ट किया राइज ऑफ नेशनलिज्म को हमारे इंडिया में, भारत में? पॉलिटिकल यूनिटी। फॉर द फर्स्ट टाइम मोस्ट ऑफ द रीजन्स इन इंडिया वर यूनाइटेड पॉलिटिकली एंड एडमिनिस्ट्रेटिवली। तो यानी कि बहुत सारे हमारे क्या थे, रीजन जो थे, क्षेत्र जो थे, वो संगठित हो चुके थे, मिल चुके थे पॉलिटिकली और एडमिनिस्ट्रेटिवली। सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट की बात करें तो यहाँ पे कैपिटल आ जाएगा। द लीडर्स ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड द सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट अगेंस्ट द कॉलोनियल रूल, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि हमारे जो लीडर्स थे, वेरियस ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने स्टार्ट कर दिया था सोशल रिलीजियस मूवमेंट अगेंस्ट द कॉलोनियल रूल, कॉलोनियल रूल के खिलाफ, सच एज ब्रह्मो समाज, जैसे कि ब्रह्मो समाज है, आर्य समाज है, रामकृष्ण मिशन है। जनरेटेड द फीलिंग ऑफ रिगार्ड फॉर द प्राइड इन द मदरलैंड, अपनी मदरलैंड के लिए, है ना, मातृभूमि के लिए हमें एक सम्मान की भावना आ चुकी थी, उसकी रक्षा करने की भावना आ चुकी थी, गर्व की भावना आ चुकी थी। वेन वॉज द इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टेब्लिश, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कहाँ पे हुई? मैंशन द मेन एम्स ऑफ द कांग्रेस, इसके मेन उद्देश्य क्या थे? कांग्रेस वॉज एस्टेब्लिश इन द ईयर ऑफ 1885, इट्स मेन एम, और 1885 में इसकी स्थापना हुई, क्या एम थी? नंबर वन, प्रमोटिंग फ्रेंडली रिलेशन अमंग नेशनलिस्ट वर्कर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, देश के विभिन्न हिस्सों में जो नेशनलिस्ट थे उनमें एक फ्रेंडली, है ना, भावना, मित्रता की भावना जनरेट करना। डेवलप एंड स्ट्रेंथन द फीलिंग ऑफ नेशनल यूनिटी थ्रू आउट द कंट्री, ठीक है, और साथ ही डेवलप करना, मजबूती देना फीलिंग्स ऑफ नेशनल यूनिटी को पूरे भारतवर्ष में। फॉर्मुलेटिंग द पॉपुलर डिमांड्स एंड टू प्लेस दैम बिफोर द गवर्नमेंट, है ना, जो भी मेन मेन, है ना, डिमांड्स हैं, मांगे हैं, उनको उठाना, फॉर्म करना और गवर्नमेंट के सामने उठा के ले जाना उसको, है ना, यानी उनके सामने अपनी बात रखना। ट्रेनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक ओपिनियन इन द कंट्री, ट्रेनिंग करना, ऑर्गेनाइज करना पब्लिक ओपिनियन को देश में। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, लास्ट पार्ट होता है जो कि वीडियो का, चलिए। व्हाट वाज द मेन डिफरेंस बिटवीन द मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट, दोनों में क्या डिफरेंस थे, चलिए जानते हैं। द मॉडरेट वर मोर एजुकेटेड, ये ज़्यादा एजुकेटेड थे,
एंड वांटेड टू विन पीपल्स फेथ, लोगों का फेथ जीतना चाहते थे, टू लेड द नेशन टू इंडिपेंडेंस, है ना, और इसके थ्रू ये इंडिपेंडेंस पाना चाहते थे विदाउट ब्लड शेड, बिना कोई लहूलुहान किए, मारपीट किए। द एक्टिविस्ट हाउ एवर वॉन्टेड टू फॉलो ए रिवोल्यूशनरी पाथ एंड मेक इट ए मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जबकि जो एक्टिविस्ट थे वो क्या चाहते थे, वॉन्टेड टू फॉलो रिवोल्यूशन, क्रांतिकारी कदम चाहते थे, रास्ता चाहते थे, ना मेक ए मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि भाई इनको क्या करें, जैसे क्रांतिकारी तरीके से हाथों में बंदूक लेके निकल जाए और इनको यहाँ से सफाई कर दें, स्वतंत्रता पा लें। द मॉडरेट्स वर डिस्टिंग्विश्ड बाय देयर सॉफ्ट एटीट्यूड, मॉडरेट्स को है ना डिफ्रेंशिएट किया गया जाता था, डिस्टिंग्विश किया जाता था उनके सॉफ्ट एटीट्यूड के कारण टुवार्ड्स, वाइल एक्सट्रीमिस्ट हैव ए हार्श एटीट्यूड, उनका बहुत ही सख्त रुख होता था। मॉडरेट्स वर प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिशर, मॉडरेट प्रोटेस्ट किया करते थे ब्रिटिश के खिलाफ थ्रू लेटर्स, उनको पत्र लिखा करते थे, ओनली वाइल एक्सट्रीमिस्ट, जबकि एक्सट्रीमिस्ट प्रोटेस्ट अगेंस्ट देम इन ए हेटेड स्पीच, बहुत घृणात्मक भाषण दिया करते थे। आर्टिकल्स इन द न्यूज़पेपर छापा करते थे बाई ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक मीटिंग एक्सेट्रा, और पब्लिक मीटिंग भी ऑर्गेनाइज किया करते थे। सेकेंड, साइट द रीजन गिवन बाय द ब्रिटिश फॉर डिवाइडिंग बंगाल, ठीक है, तो आपको बताना है, कारण बताने हैं, ठीक है, बंगाल के विभाजन के ब्रिटिश के द्वारा, व्हाट वाज द रियल रीजन बिहाइंड, और असली कारण क्या था, जानते हैं। अप्लाइंग द डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, बंगाल वाज डिवाइडेड बाय ब्रिटिश ऑन अक्टूबर 16, 1905 इंटू हिंदू एंड मुस्लिम एरिया, ठीक है, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी अंग्रेजों की, और जिसके तहत है ना ये बंगाल का जो विभाजन हुआ था, एक हिस्से में हिंदू ज़्यादा थे तो एक हिस्से में मुस्लिम, तो इस एरिया को इन्होंने इस तरह से डिवाइड किया था। द ऑफिशियल रीजन गिवन वाज द बंगाल वाज टू वीक टू बी एफिशिएंटली एडमिनिस्टर्ड, और ऑफिशियल रीजन ये दिया गया था कि बंगाल बहुत बड़ा है तो सही तरीके से हम इसको एडमिनिस्टर नहीं कर पा रहे हैं। द मेन रीजन इज टू वीकन द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म, और सही कारण ये था कि नेशनलिज्म की है ना जो आपकी फीलिंग थी, स्पिरिट थी, उसको कमजोर करना है। इट वॉज ऑल्सो टू क्रिएट ए गैप बिटवीन द हिंदूज एंड मुस्लिम ऑफ बंगाल, एज ईस्ट बंगाल हैड ए मुस्लिम मेजोरिटी एंड वेस्ट बंगाल हैड ए हिंदू मेजोरिटी, तो रियल जो कारण था वो गैप क्रिएट करना था हिंदू और मुस्लिम के बीच, क्योंकि ईस्ट बंगाल में मुस्लिम ज़्यादा हुआ करते थे और वेस्ट बंगाल में हिंदू। नेक्स्ट, डिस्कस द रोल प्लेड बाय द ब्रिटिश इन द फॉर्मेशन ऑफ द मुस्लिम लीग, अंग्रेजों का क्या रोल था मुस्लिम लीग की स्थापना कराने में। इन 1906 मुस्लिम लीग वाज फॉर्म, 1906 में मुस्लिम लीग बनी। द ब्रिटिशर्स एनकरेज द मुस्लिम कम्युनिटी टू फॉर्म ए सेपरेट इलेक्टोरेट, है ना, उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी को क्या किया है ना, एनकरेज किया कि अपने लिए आप सेपरेट इलेक्टोरेट बनाएं। फॉर द मुस्लिम एंड ब्रिटिशर वांट टू वीकन द फीलिंग ऑफ हॉस्टिलिटी ऑफ मुस्लिम टुवार्ड्स अदर कम्युनिटी इन इंडिया, ठीक है, तो मतलब एक किसी भी एक कम्युनिटी को आप क्या करें, उसको प्रमोट करें, दूसरी को डिस्करेज करें, तो इससे क्या होता है, दोनों में गैप क्रिएट होता है। दे एक्चुअली वॉन्टेड टू डिवाइड द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म, हकीकत में वो नेशनलिज्म की भावना को क्या करना चाहते, डिवाइड करना चाहते थे, कमजोर करना चाहते थे अमंग हिंदू एंड मुस्लिम कम्युनिटी, हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी के बीच, एंड ऑल्सो टू वीकन द नेशनल मूवमेंट, और इसको कमजोर करना चाहते थे नेशनल मूवमेंट को। ब्रिटिशर ऑल्सो प्रोवाइड रिप्रेजेंटेशन टू मुस्लिम कम्युनिटी, है ना, वो रिप्रेजेंटेशन देना चाहते थे मुस्लिम कम्युनिटी को इन द म्यूनिसिपल कमिटीज में, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में, विच क्रिएट ए गैप बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम लीडर, जिसकी वजह से हिंदू मुस्लिम लीडर में एक गैप क्रिएट हो। नेक्स्ट, वॉट मैथड डिड द रिवोल्यूशनरी अडोप्ट टू लिबरेट इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश रूल, रिवोल्यूशनरी ने क्या मैथड अपनाए, अडोप्ट किए, ताकि ब्रिटिश रूल से हम मुक्ति पा सकें। वाट वर द वीकनेस ऑफ देयर मूवमेंट, उनके मूवमेंट की क्या कमजोरियाँ थीं, चलिए जानते हैं। द मेन रीजन इज लेक ऑफ यूनिटी, एकता की कमी होना, विजन की दूरदर्शिता की कमी होना, लीडरशिप की कमी होना, है ना, ट्रस्टशिप की कमी होना, वर द मेन कॉज ऑफ देयर वीकनेस ऑफ देयर मूवमेंट। द रिवोल्यूशनरी मूवमेंट फॉर द इंडियन इंडिपेंडेंस इज ऑफन ए लेस हाईलाइटेड एस्पेक्ट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, ठीक है, तो ये रिवोल्यूशनरी मूवमेंट जो थे ये लेस हाईलाइटेड रहते वो, है ना, तो कांग्रेस वाले जो मॉडरेट थे वो धरना देते थे तो वो हाईलाइट हो जाता था, ये इनको बेचारों को हाईलाइट इतनी मिलती नहीं थी। स्टार्टेड द आर्म रिवोल्यूशन अगेंस्ट द रूलिंग ब्रिटिश, है ना, आर्म रिवोल्यूशन, हथियारों के साथ इन्होंने रिवोल्यूशन शुरू कर दिया था ब्रिटिश के खिलाफ। दे स्टार्ट द स्वदेशी एंड बायकॉटेड मूवमेंट, इन्होंने स्वदेशी को अपनाया और बायकॉट किया मूवमेंट का, है ना, थ्रू नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, है ना, और क्या किया, नॉन कॉपरेशन, असहयोग आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट इन्होंने किया, थ्रू होम रूल मूवमेंट, होम रूल मूवमेंट किया, बॉम्बिंग इन पार्लियामेंट मीटिंग्स, ब्लोइंग अप रेलवे लाइंस एक्सेट्रा, है ना, पार्लियामेंट में बॉम्ब फोड़े, ठीक है, मीटिंग्स में,
रेलवे पटरी को उखाड़ दिया थ्रू क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट के थ्रू रोबार्ट सत्याग्रह, ये सारी चीजें भी इन्होंने की। वॉट रोल डिड एओ ह्यूम प्ले इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? ठीक है, एओ ह्यूम का क्या रोल था इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना करने में? एओ ह्यूम ए रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिशियल वाज फाउंडर ऑफ कांग्रेस, यही थे कांग्रेस के संस्थापक। ही एस्टेब्लिश द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन December 1885 इन इंडिया, भारत में उन्होंने इसकी स्थापना की 1885 में। ही थॉट दैट देयर शुड बी ए मेजर पॉलिटिकल पार्टी दैट कैन फाइट अगेंस्ट द कॉलोनियल रूल, उनका मानना था कि भाई एक मजबूत पार्टी होनी चाहिए देश में जो कि कॉलोनियल रूल के खिलाफ लड़ सके। बिफोर दिस पार्टी नो पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वॉज देयर हु कैन रेज द वॉइस ऑफ इंडियन पीपल, इस पार्टी से पहले कोई भी ऐसी पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी नहीं जो कि है ना भारतीय लोगों की आवाज़ को उठा सके। ही टुक दिस स्टेप अगेंस्ट डिस्ट्रक्टिव आउटब्रेक आफ्टर द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857, यानी 1857 के बाद उन्होंने ये है ना डिस्ट्रक्टिव आउटब्रेक जो हुआ था उसके बाद उन्होंने ये कदम उठाया। इस तरह से आज आपने वीडियो देखा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको वीडियो, क्या ये आपके लिए हेल्पफुल है, होमवर्क करने में आपके लिए हेल्पफुल होता है कि नहीं होता, किस स्कूल से आप बिलोंग करते हैं, हु इज़ योर बेस्ट टीचर, ऐसे कमेंट हमें कीजिएगा और इसी तरह से हमें मोटिवेट करते रहिएगा। तो चलिए स्टूडेंट, इसी तरह हम मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेते हैं बाय बाय।